नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी का वादा, दोबारा सत्ता में आए तो देंगे बिना गारंटी 50 लाख का लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा सत्ता आने के बाद व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक का कर्ज बिना गारंटी के दिए जाने का वादा किया है। साथ ही व्यापारी क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू करने, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना और जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने जैसी कई अन्य घोषणाएं भी की। कुरुक्षेत्र में फिर आमने सामने होंगे भाई भाई। देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी यहां लोकसभा के चुनाव में एक दूसरे के सामने उम्मीदवार हो सकते हैं। जननायक के पोते अभय चौटाला ने अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला को इस रण में उतार दिया है। इससे पहले से ही अभय के बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला का नाम इसी सीट से उम्मीदवार के रूप में लिया जा रहा है। इस बात से उन्होंने खुद भी इनकार नहीं किया। बायनॉर से भाजपा पर प्रियंका गांधी का वार, कहा सत्ता में आते ही बीजेपी ने दिया लोगों को धोखा। केरल के वायनॉर में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए शनिवार को केरल के वायनॉर पहुंची है, जहां पर भाजपा पर जमकर वार कर रही है। प्रियंका ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, 5 साल पहले एक सरकार सत्ता में आई थी, लोगों ने बड़ी ही आशा और विश्वास के साथ भाजपा को वोट दिया, लेकिन सरकार जैसे ही सत्ता में आई उन्होंने क्या लोगों को धोखा दिया। चुनाव के तुरंत बाद घोषणा की कि हर आदमी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए का वादा सिर्फ चुनावों के लिए था। देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है। हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश को विश्व में आगे ले जाने के लिए देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें जीतकर उनकी झोली में डालनी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 साल गरीब लोगों को पक्का घर, रसोई गैस, बिजली और मुफ्त इलाज की सुविधा देने में लगा दिए। शतक मारने के बाद बोले कप्तान कोहली। कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ खेलते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने IPL में अपना 5वां शतक मारा है। कोहली के इस शतक की बदौलत बेंगलोर ने 213 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। बेंगलोर को मिली इस जीत के बाद कप्तान कोहली ने कहा कि एबी डिविलियर्स की गैर मौजूदगी में आखिरी तक खेलने का जिम्मा उन्हीं के कंधे पर था। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।